आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहने के बाद करोड़ों लोगों के अथक प्रयास और बलिदान से हमें यह आज़ादी मिली है। अब भी हमारे समाज में जातिवाद, धर्मवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी व्याप्त है, और इसलिए हम सभी को इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि अपने देश से जातिवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी को दूर करने का सोचेंगे। और इस समय जो है सभी लोग जो है ना उम्मीदी में जी रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में है। तो जब हम इतने सालों के बाद आज़ादी पा सकते हैं तो कोरोना से भी एक दिन हम ज़रूर जीतेंगे, आई विल होप। तो अपनी मैं बात कुछ शब्दों में कहना चाहूँगा, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। तो कभी भी झंडा अगर उड़ा लिया आपने, फहरा लिया, तो इसको ज़मीन पर कभी मत फेंकिए, इसको सुरक्षित जगह पर रख दिया करिए। यह जो वो कोट है, यह है उन लोगों के लिए जो धर्मवाद में विश्वास करते हैं। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में मत बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा ही कफन चाहिए। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। मैं यही कहूँगा कि कोई भी जो दूसरा देश है, दुश्मन देश है, हमारे देश को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहत इंदौरी की एक कविता है, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आधी से कोई कह दे औकात में रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये वीडियो को देखा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा, ताकि आपको पढ़ने वाली चीज़ें आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।